स्वागत है आपका एक बार फिर से 23वें प्रदेश 24वें देश हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी। प्रद्युमन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रद्युमन सिंह जी, अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण संभागों में से एक, पिछली बार यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी चूंकि आप कांग्रेस में थे, अब आप बीजेपी में हैं, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रद्युमन सिंह जी? देश में जब कोरोना की महामारी आई, उस समय महामारी के समय में कौन खड़ा था उस आम जन के साथ, उनकी चिंता किसने की, उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था किसने की फ्री में, उनको, उन गरीबों को जिनका काम धंधा बंद हो गया था, भूखमगरी की कगार पर थे, उनको निशुल्क अनाज 2.5 साल कौन सी सरकार ने दिया, किसने दिया? आप इसके साथ साथ देखिएगा, यही बातें नहीं होंगी। ग्वालियर चंबल में जो विकास रुक गया था, आज देखिएगा कि 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया, 500 करोड़ की लागत से आपका एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम हो रहा है, आगरा से ग्वालियर के लिए 6 लेन का काम शुरू हो रहा है, अटल एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो रहा है, और पर्यटन की दृष्टि से कूनो पालपुर में चीते भी आ गए हैं, जिससे वहां के लोगों को पर्यटन के हिसाब से रोजगार मिलेगा। तो इस आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, ये आधार है जी। प्रद्युमन सिंह जी, इससे पहले चूंकि संभाग की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, दो दो बड़े केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा आप स्वयं इस इलाके से, वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी भिंड मुरैना से संबंधित हैं, दतिया से नरोत्तम मिश्र हैं, उसके बावजूद ग्वालियर के नगर निकाय के जब चुनाव होते हैं तो हार का सामना करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ, सब कुछ हुआ, क्या हो गया था, क्या दिक्कतें हुई थी ग्वालियर नगरी निकाय चुनाव में? अगर वो परिणाम थे तो क्या वो चुनौती? नगरी निकाय चुनाव में, नगर पालिका निगम में हम पार्षदों में बहुमत में हैं, ये आपको मैं पहले स्पष्ट कर दूं। नंबर एक, महापौर का चुनाव कोई, अब ये चुनाव महापौर का हुआ, महापौर को चुनाव, जैसे विधानसभा की 230 सीटें हैं, तो 230 सीटों में से बहुमत के लिए जो सीटें होती हैं, कुछ सीटें तो कोई विपक्ष भी जीतता है, पक्ष भी जीतता है, तो एक महापौर जीत के आपने पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि नगरी निकाय चुनाव के परिणाम क्या आए हैं जी, उसमें हम बहुमत में हैं, नगर पालिकाओं में बहुमत में हैं, तो आप इस पक्ष को भी रखें जी। एक सीट अगर हार गए हैं तो एक सीट हारने के कारण, पिछले भी चुनाव हुए थे तो पिछले चुनाव में भी कुछ सीटें जीते थे, कुछ हारे थे, तो एक आध सीट जीतेंगे हारेंगे, पर हम बहुमत में हम रहेंगे, बढ़त में हम रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि हम जनता के बीच रहे हैं, और पिछले अभी जो चुनाव हुए हैं जी, उन चुनाव में नगर पालिकाओं में या जिला परिषद में हम पूर्ण बहुमत से जीते हैं, और ग्वालियर नगर निगम भी हम पार्षद में बहुमत से जीते हैं, सभापति हमारा है जी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, दरअसल ये सवाल मेरा इसलिए भी क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगाता रहा है कि ग्वालियर चंबल में तोमर यानी नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के बीच में वर्चस्व की जंग चल रही है पार्टी के बीच, इसलिए इस तरह की चीजें, और इसका फायदा कांग्रेस को वहां पर होगा, इस पर क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है कि उनको जो है ना जी, अपना जैसा आदमी को क्या दिखता है, जो स्वयं अंदर होता है वही आदमी व्यक्त करता है। अब उनका जैसे राजस्थान में चल रहा है, एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो यात्रा भी चल रही है। आप देखिए राजस्थान में, आप, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए जी। पहले कहा, तय किया कि अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनेंगे, वो आनंद फानंद दिल्ली में आए, पर दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गई। मेरा कहना है ऐसे ही मध्य प्रदेश में, किस डिवीजन में आप बात करना चाहते हो जी, कि कांग्रेस के नेता कभी एक मंच पर बैठे हैं? आज तो सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति विशेष, आप बता दीजिए मुझे, कांग्रेस के अंदर 4 सालों 5 सालों देखिए अध्यक्ष कौन होगा? कमलनाथ जी,
अभी बहुत दबाव पड़ा तो नेता प्रतिपक्ष हट गए, मुख्यमंत्री कौन होगा? कमलनाथ जी होंगे। आप बताइए कि इन्होंने कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई तो कांग्रेस में है जी, बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी एक संगठनात्मक रूप से काम करती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और जिसको जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन पार्टी का कार्यकर्ता नेता करता है जी। अभी हाल ही में अमित शाह आए थे ग्वालियर में और इस दौरे के दौरान दरअसल एक पोस्टर बड़ा चर्चा में था जिसमें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर जी की फोटो नहीं थी, आपकी फोटो थी, सिंधिया की फोटो थी, शाह थे। तो क्या इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि कहीं कोई मन में नाराजगी जैसी स्थिति थी या क्या है उस पोस्टर को लेकर? आपने 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 सिर्फ एक एक फोटो देखा जी, आपने देखा शहर भर में जितने पोस्टर होर्डिंग लगे हुए थे जी, उसमें माननीय नरेंद्र सिंह जी का फोटो है, माननीय शिवराज सिंह जी का फोटो है, माननीय बीडी शर्मा जी का फोटो है, पेपरों में विज्ञापन में जो है ना भी देखेंगे तो बीडी शर्मा जी का फोटो है जी। अगर किसी पेपर में नहीं निकला हुआ तो पेपर की त्रुटि होगी जी, उसको पेपर ठीक करेगा। सिंधिया के समर्थन में आप विधायक ही छोड़कर आए थे, बहुत बड़ा फैसला था, किसी को आजकल कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ता, आपने विधायक ही जैसा पद छोड़ दिया, तब सिंधिया को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज थे, दुखी थे, अभी भी क्या चाहते हैं कि सिंधिया प्रदेश के सीएम बने? अभी क्या स्थिति है? देखिए उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में अंतर बता दूं जी, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसमें दूल्हा किसको बनाया गया था जी? दुल्हन को लड़का दिखाया नौजवान जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और चुनाव किया एक 70 साल के बुजुर्ग का जी, इस बात का विरोध था जी, पर भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए सिद्धांतों के साथ। हमने कोई शर्त नहीं रखी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या मंत्री बनेंगे जी, पार्टी जो निर्णय लेगी उसे स्वीकार करेंगे जी। तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी की इच्छा तो है मन में कि सिंधिया जी कभी भी हो, चाहे इस बार या कभी भी मध्य प्रदेश की कमान संभालें? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, व्यक्ति की इच्छा से काम नहीं चलता है जी। पार्टी जो निर्णय लेगी जी, अच्छा निर्णय लेगी, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी अच्छा करेगी। हाँ, श्रीमंत सिंधिया जी एक ऊर्जावान जी, अच्छी छवि के लीडर हैं, उनके अंदर समाज सेवा, उनके अंदर काम करने की इच्छा है जी, ये बात मैं स्वीकारता हूं। कमलनाथ सरकार में भी ऊर्जा मंत्रालय आपके पास में था, आप शिवराज सरकार में भी ऊर्जा विभाग आप देख रहे हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं बुनियादी तौर पर दोनों ही कार्यकाल के दौरान, और क्या कुछ खास इस बार रहा है आप चूंकि ऊर्जा विभाग देख रहे हैं? पहला, यहाँ संगठनात्मक रूप से बैठ के निर्णय होता है, बात सुनी जाती है, वहां पे उनकी पास समय नहीं होता था जी, तो सुनने का समय नहीं था इसलिए वो सरकार चली गई। अच्छा, हम देखते हैं प्रद्युमन सिंह जी को, एक तोमर साहब को भी जी 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 ताकि जी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी, तो हम तोमर साहब को जब देखते हैं तो एक खास चीज के लिए बड़े जाने जाते हैं, मंच पर आप पहुंचते हैं तो बड़े साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं और इसको लेकर कई बार चर्चा में भी रहे हैं, ये जो खास अंदाज है इसकी कोई खास वजह? जिन के कारण मैं इस जगह बैठा हूं जी, उनके मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए कोई योजना दी जाए तो देने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जी, ये हमारी संस्कृति में भी है जी, तो मैं उस संस्कृति का पालन करता हूं और मैं निश्चित रूप से साष्टांग प्रणाम करता हूं जी, कि जो भी हमारे क्षेत्र को, हमारे अंचल के लोगों के लिए काम करेगा उनको तो मैं प्रणाम करूंगा, उनके चरण धोकर के पानी पीऊंगा जी, जल उनका पानी पीऊंगा जी। पर आपके बंधन की बात जी, आपके इस अंदाज के साथ साथ आपके सियासत करने का, आपके काम करने के अंदाज की भी चर्चा होती है, कभी आप बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं ताकि समस्या दूर हो, कभी फावड़ा लेकर आप नाली में भी उतरते नजर आते हैं, सियासतदानों को कभी इस रूप में देखा नहीं,
क्या वजह है इस जमीन से जुड़कर जिस तरह से लोगों के बीच जाकर काम करना और ये सब चीजें? वजह बड़ी बड़ी बात आप ये समझिए जी। देखिए मैंने एक बात समझी है कि सफाई जी, आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा आगे पूछना चाहता हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ जी, कि अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग हों जी, अब बुजुर्ग माँ बाप जब असमर्थ होता है टॉयलेट जाने के लिए तो हम क्या करते हैं जी? क्या हम उस समय वेट करते हैं कि कोई प्यून आएगा, या हमारा कर्तव्य है कि हम उसको उनको टॉयलेट ले जाएं या उनका उनकी व्यवस्था खुद करके उनको आराम से बैठा लें जी? तो ऐसे ही जिन जगहों पे मैं गया हूँ अगर नाला भरा हुआ है और नाले में अगर कोई रोक है और किसी गरीब के घर में माँ अगर पुकार करती है कि बेटा मेरे घर में पानी भरा हुआ है, तो मैं अधिकारियों को भी निर्देश देता हूँ कि आइए ये व्यवस्था को ठीक करिए, परंतु मैं उस समय तक इंतजार नहीं करता कि नाला उस घर में पानी भरा रहे, तो जरूरत पड़िए तो ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फावड़ा लेकर के भी वो नाला साफ किया है। और क्या ये व्यवस्था जी, एक तरह हम समसरता हम बात करती है, कांग्रेस बात करती है, या दूसरा जो बात करते हैं कि हम जातवाद नहीं मानते, धर्मवाद नहीं मानते जी, तो जातवाद धर्मवाद नहीं मानना क्या सिर्फ बातों से होता है जी? क्या सिर्फ सफाई कर्मी ही सफाई करेंगे? ठीक बात। क्या हम ये संदेश हमें नहीं देना चाहिए कि हम जो कहते हैं वो अपने जीवन में उतारते भी हैं? गांधी जी अपनी कुटिया की सफाई खुद करते थे। तो राजनीति में मैं आया हूं तो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा, राजनीतिक एक माध्यम है समाज सेवा का जी। फाइनल सवाल आपसे कर रहा हूं, 2023 में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? सरकार पहले बनी थी, सरकार पुनः बनेगी। सरकार ये बड़ा स्पष्ट जवाब है, इसमें तो कोई तो बड़ा स्पष्ट जवाब है कि सरकार बनी थी और एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है शिवराज सिंह चौहान की, इनका ये कहना है। प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, ये महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद थे, अपने अलग अंदाज की सियासत करने के लिए जाने जाते हैं और उसी अलग अंदाज के तहत ही तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। आश्वस्त हैं कि 2023 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, देखना होगा कि उनके आश्वासन पर और उनकी आश्वस्ति पर जनता कितना मोहर लगाती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमारा खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश में अगली बार हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ। नमस्कार।